नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन औरतें अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला ये त्योहार पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत कर देता है। कुंवारी कन्याएं भी इस दिन व्रत रखकर मन चाहा वर प्राप्त कर सकती हैं। इस वर्ष ये व्रत 27 अक्टूबर को किया जाएगा। आइए जानते हैं व्रत से जुड़ी कुछ खास बातें और क्या है इस बार का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस पूजा में मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व होता है। सुहागिन स्त्रियों के मायके से हर साल करवे के रूप में श्रृंगार का सारा सामान और मिट्टी के बर्तन आते हैं। करवा चौथ पर महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करके शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। लेकिन व्रत का संकल्प लेने से पहले वे भोर में सूर्योदय होने से पहले उठकर सरगी खाती हैं, जो उन्हें अपने ससुराल पक्ष से उनकी सास देती है। सरगी में काजू, किशमिश, बादाम के अलावा फल और मिठाइयाँ भी होती हैं। इसके साथ ही सास अपनी बहू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भी देती है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि कर लें, उसके बाद घर में बने पूजा घर में पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। ये व्रत निर्जला होता है, इसलिए जब तक चांद ना निकले अन्य जल ग्रहण ना करें। चंद्रमा के अलावा इस दिन शिव पार्वती, गणेश जी और माता गौरी की भी पूजा की जाती है। इस बार करवा चौथ का पूजा मुहूर्त शाम 6:37 से रात 8 बजे तक है। चंद्रोदय का समय शाम 7:55। क्योंकि इस वर्ष शुक्र तारा अस्त है, इसलिए नई नवेली दुल्हने या फिर वो कन्याएं जिनकी सगाई हो चुकी हो वो इस वर्ष ये व्रत नहीं कर सकती, क्योंकि शुक्र तारा के अस्त होने के बाद कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना गया है। इसके अलावा करवा चौथ का उद्यापन 12 या 16 वर्ष में हो जाता है। साथ ही बहुत सी स्त्रियां जीवन भर व्रत रखती हैं, लेकिन इस वर्ष आप उद्यापन भी नहीं कर सकते। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।